Yes, we are back. Sana. Yes, so we're not going to waste any more time. और मेरा ख्याल से वो आ गई हैं लाइव और उनको बस ऐड। Hi. Assalamualaikum. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good. Should we call you Sana or should we call you Simera? Both. Both. Great, great, fantastic. सबसे पहले तो ये बताएं, how is quarantine time going? अच्छा जा रहा है. पहले तो शुरू में थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाती थी, थोड़ा सा डिप्रेस और डाउन हो जाते थे, एक ही रूटीन थी. लेकिन अच्छा, वो भी मैं डाउन होना शुरू थी जब आई थिंक 25-30 दिन गुजर गए. अच्छा ठीक है, वो तो मेरा ख्याल से सभी हो रहे हैं. हमें आदत नहीं है, हमें आदत नहीं है घर में. अच्छा, मुझे बहुत आदत है घर में रहने की. मैं या तो शूट पे होती हूँ या घर में होती हूँ या जिम में होती हूँ. तो मैं वैसे भी एक बहुत ही एंटी सोशल और इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ, तो मुझे इतना वो होता नहीं है. अच्छा, लेकिन हाँ, आई मिस माई वर्क. बात सारी है, आई मिस वर्किंग. आई थिंक हम सब जो भी काम करने वाले हैं उन सबको ना काम से ज्यादा वो हो रहा है कि वी आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑन so much of work and creativity. घर पे बैठे हैं, लेकिन ये भी अच्छा टाइम है कि घर पे बैठे हैं. अच्छा टाइम है. बहुत कुछ आप रियलाइज कर रहे हैं, जिन चीजों का फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब वो चीजें आपके लिए, आपको एहसास हो गया कि नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उन चीजों का ख्याल भी रखना है और उन चीजों को इम्पोर्टेंट. कौन सी ऐसी चीजें ऐसा ना, कोई ऐसी 3 चीजें बताओ जो रियलाइज इस क्वारंटीन टाइम में हुआ है. वही कुछ चीजें ऐसी जिनको मैं फॉर ग्रांटेड ले रही थी, लेकिन अब उसको नहीं लेना. चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, तो वो चीजें मैंने रियलाइज की हैं. और सबसे अच्छी बात कि मैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने अम्मी अबू के साथ, अब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ. क्योंकि काम कर रही होती थी, सुबह निकल जाती थी तो वो सो रहे होते थे, रात को आती थी तो वो सो रहे होते थे. लेकिन सबसे बेस्ट बात ये कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. मैं वैसे भी एक I'm an early riser, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो अबू भी उठे हुए होते हैं, अम्मी अबू, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, उनके साथ नाश्ता करती हूँ, और वो बड़ा बेस्ट टाइम था. ग्रेट. खाने पका रही हूँ जैसे सब पका रहे हैं. मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा कि सब ने खाना पकाना शुरू कर दिया है और अब सब थक गए होंगे, सब कुक बन गई है, एक्ट्रेसेस, सबको खाना बनाना आ गया है. मेरा ख्याल से मैं आई मस्ट बी वन ऑफ द पीपल इन माई ओन ग्रुप जो खाना नहीं पका रही, बिल्कुल भी नहीं. माई फ्रेंड खुबा जस्ट सेंड मी अ पीस ऑफ केक और मैं सबसे केक मंगवा लेती हूँ, खा लेती हूँ, पर खुद कुछ नहीं ट्राई कर रही. Are you cooking? तो सबसे पहले मैंने रोटी बनाई थी, गोल पराठा भी गोल, इतना अमेजिंग बनाया था. और हाँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, कभी कुछ खुद बनाने का दिल कर रहा हो तो बना लेती हूँ. ये चल रहा है. चलो, लेट्स टॉक अबाउट यू ऑलवेज डन वेरी पावरफुल रोल्स. खानी हो गया, जरा याद कर, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्राम्स, मुझे इतना अच्छा लगा था. रिस्वाई, इट्स ऑन अनदर लेवल. प्यारे अफजल, इट वॉज वेरी नाइसली डन. आपका कैरेक्टर थोड़ा छोटा था. लुबना वॉज एक्चुअली, इट बिकेम अ हाउस नेम, लाइक एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट. एंड डर खुदा से, जो आजकल जियो पे भी चल रहा है. लेट्स टॉक अबाउट रिस्वाई. द कैरेक्टर ऑन इट्स ओन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस और बहुत कॉन्शियसली आपको वो उस पर काम करना पड़ा होगा. वो एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं था. सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट ऑफ जर्नी एज टू हाउ यू नो, सिमेरा बनने में भी तो टाइम लगा होगा. बिल्कुल. मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है. अच्छा. मैं जरा मैं प्रिपेयर नहीं करती अपने कैरेक्टर को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है. मैं स्क्रिप्ट पूरी पढ़ती हूँ, जरूर पढ़ती हूँ, अपना कैरेक्टर बिल्कुल सोचती हूँ कि शायद उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की लड़की, बात किस तरह करती है, और उसके मैनरिज्म एंड ऑल, वो सारी चीजें मैं समझ लेती हूँ. लेकिन मैं जाके परफॉर्म करती हूँ, जब कैमरा ऑन होता है और एक्शन की आवाज आती है, मैं उसी वक्त प्रिपेयर करती हूँ, उसी वक्त जो मुझे नेचुरली आ रहा होता है। मेरी जो प्रिपरेशन होती है शूट पे जाने से पहले, वो सिर्फ ये होती है कि मैं जब सेट पे जाती हूँ तब वो मैं कैरेक्टर बन जाती हूँ। आई लिव या एग्जैक्टली मैं जीती हूँ उस कैरेक्टर को। तो मेरा ये मेथड एक्टर हूँ ना, तो मेरा तरीका यही है कि मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ। जब मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ तो फिर वो खुद ही नेचुरली आ रहा होता है कि मैं इस वक्त कैरेक्टर बन गई हूँ और अब मुझे इस तरह से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो सिचुएशन आती है, जो इवेंट्स आते हैं, जो एपिसोड होता है, वो सब कुछ नेचुरली आ रहा होता है। तो मैं ग्लिसरीन भी यूज नहीं करती, रोती भी खुद। वाह, नहीं आपकी स्किन ही इतनी अच्छी है। मेरा ख्याल है उसके बारे में आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट हाउ अमेजिंग योर स्किन इज। पूरे ड्रामे में हार्डली मेरा ख्याल से वो एक वो शादी वाला सीन है जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है। रादर देन दैट मैंने नहीं देखा कि आपने कोई एक्स्ट्रावेगेंट सा मेकअप किया हुआ है। वो बहुत मैंने मेकअप किया ही नहीं। मैं धुले हुए मुंह के साथ जाती थी, शावर वाले बालों के साथ जाती थी, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था, इसमें मार्जिन ही नहीं था। एक तो वो डॉक्टर है, उसके पास टाइम नहीं है फैशन करने का, मेकअप करने का, ये कपड़े पहनू वो। उसने इतना बेसिक रखा अपना स्टाइल, बेसिक, बहुत बेसिक थी समीरा। और उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें थी लाइफ में, उसके लिए इम्पोर्टेंट। समीरा के रोल में the concept of a rape victim हमारे इंडस्ट्री और हमारे एनवायरनमेंट, हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी इसको बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। यूजुअली पीपल डोंट इवन कम आउट विद इट। आपको कहीं ये लगा कि आप ये कैरेक्टर लेके अपने आप को कहीं एक लेबल कर देंगी कि एक सीरियस एक्ट्रेस है, शी ऑलवेज डज रोल्स लाइक दिस? कभी बात आई? बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं डिफरेंट तरह के रोल करती हूँ, मैं एक ही नहीं करती। मैंने कॉमेडी भी किया है, मैंने रोमांटिक भी किया है, मैंने एक अच्छी मासूम लड़की भी किया है। लेकिन हाँ, अब मेरा एक डिलिबरेट डिसीजन होता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की प्ले करूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने खुद पूछा मुझसे कि टैबू समझा जाता है, इसी टैबू को खत्म करने के लिए मैं अब ये रोल करती हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक मैंने ख्वाहिश की थी कि मैं कामयाब हो जाऊँ कि कुछ चेंज लाने में। एंड आई थिंक समीरा ने वो रोल प्ले किया है, क्योंकि ज़ैनब मुझे पर्सनली सर्वाइवर्स ने कांटेक्ट किया और मिले भी मुझसे, बिल्कुल। और ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन जिस तरह की उन्होंने मुझसे बातें की, आई गॉट वेरी इमोशनल। और उसी टाइम पे मतलब मुझे लगा कि मेरे कैरेक्टर ने वाकई एक अच्छी कोशिश की है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच करेज, और आपके इस कैरेक्टर को करने से हमारे अंदर भी हिम्मत आई, और काश कि मैं भी वो कर सकती जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। इट्स अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग थिंग, आई नो, लेकिन आई थिंक यही कामयाबी है कैरेक्टर की कि मैं जिन लोगों के लिए मैंने किया, क्योंकि एक टैबू था, उस टैबू को खत्म करने के लिए किया। और स्पेशली मेरा जो ट्रिब्यूट था उन सारी सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के लिए था, और मुझे बहुत खुशी हुई। और एक तो मुझसे पर्सनली आके मिली भी, मैं बाहर कहीं ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में सब कुछ हुआ है, एंड यू नो दैट गर्ल डाइड। मैं तो खैर बहुत रोना शुरू हो गई तब ये सुन के। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी। कह रही नो इट्स ओके, लेकिन आप जो कुछ कर रही है ना, आपको नहीं पता, आपके ये सब कुछ करने से हमारी फैमिली को ऐसा लगता है कि हमें जस्टिस मिल गया। बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारे लोगों में इतनी करेज ही नहीं होती कि वो फोरफ्रंट में आए। जब हम ऐसे ड्रामे देखते हैं वी ऑल्सो समवेयर स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। और मेरा ख्याल से बहुत सारे रोल्स में जरूरी नहीं है कि वो कोई रेप विक्टिम ही हो, कोई डोमेस्टिक अब्यूज भी घर में हो सकता है, वो भी कहीं आपसे रिलेट, किसी किस्म का वो भी आपके साथ रिलेट करने लगे। मेरा कैरेक्टर था वो सिर्फ रेप विक्टिम के लिए नहीं था, वो किसी भी विक्टिम के लिए था, कोई भी विक्टिम था, उनकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन है। बस मैसेज ये था कि विक्टिम नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है। Drama mein of course there was other characters as well, and where I see that Varda ka aur Hamza ka you know there was a part of the drama jo us pe bahut focus kar raha tha, lekin I still think that you were the star of the drama. I don't think ke wo story divert of course ho rahi thi, mera khayal se extend karna tha. I wouldn't rather want to ask ke wo kyun hua, lekin mujhe lagta hai ke wo story aap hi ki thi, and it was based on you, and Varda and Hamza were fantastic in their acting, but they were part of it. The real focus was on you, and yes we would have liked कि थोड़ा सा और आप पे elaborate होता, लेकिन I was very happy with the elaboration of your character and I'm sure बाकी सब so जो देख रहे हैं मेरा ख्याल से सबको पता भी है. मोहम्मद अहमद साहब जो आपके वालिद बने हैं ड्रामे में, you are very close to him. Can you tell us something about that? Can you tell us something about that? जी जी मोहम्मद, और मैं उनको हम थोड़ी उर्दू में बात करेंगे, हम थोड़ी उर्दू में बात करेंगे. मैं अगर उर्दू से हट जाऊं तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम मुझे बता देना बस. ओके ठीक है. मैं अब्बा को जानती हूँ कोई अपने करियर के शुरू से, और आई थिंक उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जाने का मार्जिन रखती है कि आगे जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे नजर आ गई, क्योंकि मैंने उनका ही इज अ राइटर ऑल्सो. तो उन्होंने मैंने उनके लिखा हुआ एक ड्रामा किया था जिसका नाम था गोया, एंड आई स्टिल लव दैट ड्रामा. और अगर कोई चीज मैं दोबारा करना चाहती हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्ले, वो गोया है. वो बहुत खूबसूरत लिखा था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ऑफ बीट था. उस टाइम पे आया था जब मैं नई थी, शायद उस वक्त वो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन लोग अब ऑफ बीट चीजें देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखना चाहते हैं. तो खैर वो तब से फिर मेरा उनका ऐसा बना कि वो मुझे अपनी बेटी ही समझते हैं. तो वो जो भी कहते हैं, मैं उनको जो कहती हूँ, वो मुझे पर्सनली भी बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिलता है. आज तक सिखाते हैं, मैं उनसे सीखती हूँ क्योंकि मेरे बड़े हैं. तो उनके साथ तो मेरा बहुत अमेजिंग टाइम गुजरा. बेस्ट सीन फ्रॉम रिस्वाई सीन, आई थिंक सीन्स. ओके टेल बेस्ट 3 सीन्स. There's somebody from Germany joining us. There's so many people saying hello and they're saying you're beautiful. Ji, Sana Javed is a very beautiful looking girl. Thank you, Zainab. अच्छा scene मैं बोलूँगी sequences के ऊपर बोलूँगी. कोई मुझे जो मिकार के साथ मेरे scene से जो बहुत romantic scene से शुरू के episode में मुझे वो बहुत पसंद है. फिर उसके बाद मेरे और अब्बा के जो सीन्स थे मुझे वो बहुत पसंद है. फिर जो एब्डक्शन का सीन था और उसके बाद जो मैं वापस आती हूँ, मुझे वो सीन बहुत पसंद है. और जब समीरा ने स्टैंड लिया, जब समीरा एक अमेजिंग लड़की बनके बाहर आई, एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ बनके, बस वो सीन सुपर वुमन लगती थी. एंड ऑल्सो लास्ट एपिसोड के जो मेरे सीन्स थे, जब उसको जस्टिस मिलता है, तो या सुपर वुमन बेसिकली. अच्छा, दूसरा, हाउ वाज इट टू मीट मुख्तारा माई को जब आप पहली दफा मिली, वो कैसा था? और वो जो टर्न ड्रामे में आया था वो आपको कैसा लगा? उसके बारे में, ये जो हमें गालियां निकाल रहे हैं ना इधर, प्लीज अगर आप ना ही बैठे तो अच्छी बात है. कौन निकाल रहे हैं? मैंने तो नहीं पढ़ा, पता नहीं. छोड़ दो, मैंने बस उन्हें कह दिया है हमने आपको क्या इतनी इम्पोर्टेंस देनी उनको बोल के, पर 2-3 आए. हाँ बिल्कुल जी, बताएं. अच्छा नहीं, हम अच्छी बातें करें, हमें अपनी बातों पे फोकस रखना चाहिए जी. अच्छा तो मैंने जब उनको जाहिर उनके बारे में जब सुना भी था, तब भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी. और जब मैं उनसे मिली, आई वाज स्टारस्ट्रक, और मैं एक और में थी उनके. और वो इतनी इंस्पिरेशनल हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक जितनी भी लड़कियां इस दुनिया में, उन सबके लिए. और जिनके साथ असल में ये हुआ है, वो एक real life victim hai and she survived, she's a being survivor. A victim and a survivor, right? Yeah, exactly. और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ, वो बहुत एक painful journey, हम लोग वो ना सोच सकते हैं, वही उससे गुजरी, उनको पता है बिल्कुल. लेकिन जब वो अपने बारे में मुझे बता रही थी, और आपको पता है उन्होंने एक स्कूल खोला है जिसमें आई थिंक 500 से 700 बच्चे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी. तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं, उन्होंने मर्दों को भी एम्पावर किया. तो ये वो है मुख्तारा माई, इंस्पिरेशनल, स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ स्ट्रेंथ. मुझे उनसे मिलके क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खैर, हम लोग बहुत आधा शूट कर चुके थे, और मुझे लगा कि समीरा के अंदर उनके कितने शेड्स हैं. मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और शी वॉज वेरी हैप्पी. हाँ, कि मैं ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ, और हम लोग इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसी लड़कियों को हम करेज दे रहे हैं, और हम ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको गलत नहीं समझा जाए, ये टैबू नहीं है. शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत उन्होंने दुआएं दी, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी पार्ट लिया था रुस्वाई के अंदर. अच्छा, फेवरेट 3 को स्टार्स। मोहम्मद अहमद, ओके, निकाल, I think अभी मैं जिनके साथ काम करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि वो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी विद बिलाल अब्बास खान, मेरा ख्याल से। या हाँ, कैन यू कुछ थोड़ा सा बताएंगी नए प्रोजेक्ट के बारे में? मैं और फैंटास्टिक, फहद मुस्तफा इज द पर्सन बिहाइंड इट। मैं बहुत बड़ी फैंटास्टिक भाई, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या कमाल। मैं तो लिटरली आई थिंक आई वांट टू गो टू जीतो पाकिस्तान एवरी सिंगल टाइम, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं। वो खुद एज प्रोड्यूसर वो इतने इसमें इन्वॉल्व है और इतने एक्साइटेड है। हम सारे, हम पूरी टीम, डॉक्टर अली काजमी और फहद मुस्तफा जो बिग बैंग उनका प्रोडक्शन हाउस उसका नाम है, और बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, बिलाल अब्बास, हम सारे इतने इन्वॉल्व हैं और इतने एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। और बाकी ये बहुत क्लीशेड साउंड करेगा, लेकिन सच में ऐसा कैरेक्टर मैंने बाकी पहले नहीं किया, और लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि कोई रोना धोना नहीं है इसमें। अच्छा, ग्रेट, फैंटास्टिक। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि हाउ वाज इट टू वर्क विद बिलाल अब्बास? आई थिंक वो भी एक फिनोमिनल एक्टर है। अभी तो काम करूंगी, अभी तो शूट स्टार्ट हुआ नहीं है ना। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। चलिए फिर मेरे हाथ से एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा जस्ट टू फाइंड आउट हाउ इज बिलाल अब्बास एज अ को-स्टार। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम श्योर ही इज अमेजिंग। योर सिस्टर हैज जस्ट कम इनटू अ ड्रामा, और बहुत सारे लोगों को पता है, यानी मेरे पास तुम हो में जो हीरा मानी की बहन बनी थी, हिना जावेद, एंड वो कैसा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो बहुत क्या किसी और वो एक डेलिब्रेट उसने एक डिसीजन लिया था कि सना, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं हर चीज अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। मुझे नहीं ये टैग लगाना कि मैं इसकी बहन हूँ या इसकी बेटी हूँ या इसकी जो जो फला फला में लगती हूँ, क्योंकि हम लोग ने मेरा जो कुछ किया मैंने अपने बलबूते पे किया। तो उसने कहा कि मुझे भी ये क्रेडिट चाहिए कि मैं जो कुछ करी मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। उससे वाकई किसी को भी नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। उससे किसी तरह से वो वहाँ पे वो कास्ट हुई, उस ड्रामे में उसने काम किया। लोगों ने, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, लोगों को पता भी नहीं था कि वो मेरी बहन है। पूरा ड्रामा उन्होंने देख लिया, लास्ट एपिसोड के बाद उनको पता चला, एंड दे लव्ड हर परफॉर्मेंस। उसका काम, इट वाज अ स्मॉल रोल बट इट वाज रियली नाइस, इट वाज, हाँ, उन्होंने बहुत पसंद किया। और आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। फिर जब लोगों को बाद में पता चला कि ये मेरी बहन है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने थ्रू आउट उसका जितना भी रोल था उसको बहुत पसंद किया, उसके परफॉर्मेंस को पसंद किया। बाद में उन लोगों को पता चला कि वो मेरी बहन है, तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर माई ब्रदर, वो भी करता है मीडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स, और अपनी मेहनत पे, अपने खुद पे ये लोग करते हैं, मेरा कहीं नाम यूज नहीं करते। उनको नहीं अच्छा लगता, उनको ये कि मेरी बहन ने खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, और हम लोग को भी यही चाहिए। और आई थिंक यही अचीवमेंट होती है, इसकी जो एक फील होती है ना, बगैर किसी के उसको क्या कहते हैं, हेल्प के, बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर किसी के नाम को यूज किए हुए आगे बढ़ना। आई थिंक जो इसमें जो एक एनर्जी है, एनर्जी है, और एक बहुत अच्छी फील होती है। और आई थिंक उसमें जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो इट्स अनदर फीलिंग, इट्स अनदर फीलिंग, इट्स अनदर। खानी, हाउ डू यू फील कि खानी नेटफ्लिक्स पर है? इट इज वन ऑफ द फ्यू ड्रामास पाकिस्तानी जो नेटफ्लिक्स पे है, और ये एक बहुत बड़ी एहसास की बात है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जब वो पता चला तो वो कैसी फीलिंग? बहुत हैप्पी जब वो आया था, मैं तो बच्चों की तरह कोई खुशी से उछल रही थी, बिकॉज आई थिंक ये भी एक अचीवमेंट है। लोगों ने एक तो उसको बहुत पसंद किया, और वो इतना ह्यूज प्रोजेक्ट बना माशाल्लाह से, और नेटफ्लिक्स पे आना इस कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग डील माशाल्लाह से। एंड आई थिंक ये सब कुछ मेरे फैंस और ऑडियंस जिन्होंने पसंद किया है आज तक मेरे काम को, चाहे वो रिस्वाई की समीरा है, चाहे वो खानी की खानी है, चाहे वो प्यारे अफजल की लुबना है, जरा याद कर की महनूर है, डर खुदा से की आफरीन है, आई थिंक मैं जो कुछ हूँ ना, मैं अपने फैंस की वजह से और अपने ऑडियंस से, जिन्होंने आज तक मेरा सब कह रहे हैं कि आप रियल लाइफ में इमोशनल हैं। रियल लाइफ में कैसी? सेंसिटिव हूँ लेकिन आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। अच्छा, यू डोंट लेट थिंग्स गेट टू योर लाइक, कोई अगर कुछ कह दे तो दिल पे नहीं लेती? दिल पे लेती हूँ लेकिन बहुत कम टाइम तक, फिर मैं भूल भी जाती हूँ। हाँ, इसने कहना था। What is your skin routine? Because माशाल्लाह you have a great skin. So लोग ये भी पूछ रहे हैं। कोई skin routine ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता सना। ऐसा ही है बस। हाँ, मैं ये जरूर कोशिश करती हूँ कि पहले एक बेवकूफ़ी करती थी कि मैं सोप से ही मुंह धो लेती थी क्योंकि मुझे लगता था नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन then I started investing in good products. Okay. चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो फेस ऑयल हो, तो बस इस चीज पे। लेकिन हाँ, यूज करना चाहिए मुझे, उसमें मैं बहुत लेजी हूँ। कभी कभी बड़ा जोश चढ़ जाता है, रात को सोते वक्त पूरी एक रूटीन करती हूँ, रिजीम बन जाती है। हाँ हाँ, मेरी पूरी रिजीम बनती है एक स्किन केयर की, फिर उसके बाद पता नहीं वो हफ्तों हफ्तों हो जाते फिर। लेकिन करना चाहिए बिल्कुल, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं रात की नींद लेती हूँ, विटामिन सी और जितनी भी चीज़ों की जरूरत होती है स्किन को, उसका मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। हु इज योर फेवरेट डिजाइनर? तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया मैंने कहा अगर वही सारे जिनके कपड़े में पहनते हुए आपको नजर आते हैं। कौन है? कोई एक होगा जो तुम्हारे स्टाइल को डिफाइन करता है। नहीं, वो सारे ही हैं क्योंकि उन सबके मैं कपड़े पहनती हूँ ना, तो मेरे दो तीन का नाम तो ले लो। नहीं, दो तीन? अच्छा, मुझे हैव यू एवर वॉन्ट रिजवान बेग? यस आई हैव एंड यू लुक ब्यूटीफुल इन इट। मुझे लगता है कि दैट इज योर लव्ड देयर आउटफिट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल। अच्छा, स्टूडियो में गई थी, इतने कोई हसीन कपड़े लाइन से लगे हुए। वो एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत बहुत इंटेलिजेंट किस्म के फैशन डिजाइनर हैं और वो एक कुट्योरर हैं। बहुत बड़ा नाम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो एक कुट्योरर हैं। उनका यू नो वो एक टॉप टियर में आते हैं और वो ही इज अमेजिंग एट हिज वर्क एंड What would you have to say about? He's very humble. Oh, he's. Have you ever seen him speak Punjabi? वो बड़ा अच्छा पंजाबी बोलता है। किसी दिन उन्हें कहिएगा कि आपके साथ पंजाबी बोले। बिल्कुल। Anything about the stylist जो आपको help out करते हैं? Would you like to say anything about the stylist? किनके साथ आप काम कर चुकी हैं? ताबिश के साथ आपने काम किया है? हाँ, ताबिश के साथ, अनिला मुर्तजा के साथ, सना अनवर के साथ, आनिया के साथ। But I think मैं कहती हूँ आपको लगता है कि क्या रोल होता है एक स्टाइलिस्ट का? क्योंकि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना, वो एक फैशन इंडस्ट्री से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। आपको क्या लगता है कि एज अ स्टाइलिस्ट क्या रोल वो प्ले करते हैं एक एक्ट्रेस की? यू नो बिकॉज यू हैव टू पोर्ट्रे एन एक्ट्रेस इन अ डिफरेंट वे जो मॉडल होती हैं। फैशन फोपा भी बहुत हुआ है मेरा, बहुत ज्यादा। आई थिंक रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर एक गाउन पहना था। ओ माय गॉड, दैट इज नॉट मी। सॉरी, मेरे फैंस को बहुत बुरा लगा था, बट सॉरी, वो लास्ट मिनट और बस मसले थे। वो मैं नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था। खैर, ठीक है। बात यह है कि आई थिंक स्टाइलिस्ट का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्टाइल को दिखाना, हमारे स्टाइल को। हर एक्टर का, हर सेलिब्रिटी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा बहुत मिनिमल है, मुझे बहुत सिंपल और प्लेन चीजें पसंद है। तो एक स्टाइलिस्ट की एक तो जिम्मेदारी बहुत होती है, सारी मेहनत वो इतनी कर रहे होते हैं, ज्वेलरी से लेकर, कपड़े का डिजाइन से लेकर, उसका कट से लेकर, उसकी एक छोटी छोटी डिटेलिंग से लेकर, चाहे वो शूज भी आ जाते हैं उसमें, एक एक चीज आती है, उसमें बहुत डिटेलिंग होती है। तो आई थिंक उनकी मेहनत बहुत होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब क्या बहुत जमाने से कि एक एक्टर को आपके ना जो लड़कियां, जो फॉलोअर्स होती है, फैंस होती है, उसको फॉलो करती हैं आपके स्टाइल को। तो और आप टीवी पे आ रहे होते हैं और अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, उसमें तो बहुत बड़ा रोल होता है कि उस आपके कपड़ों से आपका कैरेक्टर भी डिफाइन होता है। बिल्कुल। जिस तरह से समीरा थी, बहुत बेसिक थी, प्लेन, और नजर आता था नॉर्मल लड़कियां उससे रिलेट कर सकती थी। नॉर्मल लड़कियां उससे रिलेट थी, जिसके लिए इम्पोर्टेंट था उसका करियर, उसकी पढ़ाई, उसका स्ट्रॉन्ग रहना, उसका चीज़ों पे स्टैंड लेना, उसके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए फैशन और ये चीज़ें नहीं थी। तो वही बात के स्टाइल से चीज़ों का या स्टाइलिस्ट अगर जो भी आपको, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपकी। चाहे हम लोग किसी इवेंट में भी जा रहे हो, वहाँ पे भी आपके स्टाइल को डिफाइन करने में। Yeah, this is absolutely right. आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे लोगों ने how is your experience working with बिलाल? इन्होंने भी काम करना शुरू नहीं किया, ये करने वाली हैं। Anything else जो हम लोग look forward करें आपके साथ देखने के लिए? क्या स्टाइलिंग प्रोसेस से ज्यादा, क्या स्टाइलिंग एक्टिंग के प्रोसेस से ज्यादा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी, मैंने, मेरी रुसाई में कोई स्टाइलिंग नहीं थी, और अगर आपकी, मेरा ये मानना है पर्सनली, जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ मेरा कपड़ों पे फोकस नहीं होता, मैं कैसी लग रही हूँ मेरा फोकस नहीं होता। मेरा सारा फोकस होता है मेरी परफॉर्मेंस पे, अपने कैरेक्टर को बनाने में, अपने काम पे। मेरा, मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क और अपनी एक्टिंग के लिए, तो मेरा सारा फोकस मेरे कैरेक्टर पे होता है कि मुझे क्या करना है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ती कि मैं क्या पहन रही हूँ और किस तरह की लग रही है, मेरा मेकअप कैसा है, क्योंकि आई थिंक सबसे पहले ऑडियंस की नज़र आपके इस पूरे फेस पे पड़ती है। अगर मैंने इसमें इतना कुछ डाल दिया, लेयर्स और लेयर्स ऑफ मेकअप कर दिए मैंने, तो आई थिंक मेरे एक्सप्रेशंस भी डेड हो जाएंगे, ना वो मेरी एक्टिंग देख पाएंगे। उनका सारा फोकस, मैं उनको ना उनका फोकस हटा रही हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कपड़ों पे डाल रही हूँ, अपने मेकअप पे डाल रही हूँ। तो मैं आई डोंट बिलीव इन दिस व्हाइल आई एम एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग, नो। किसी ने कहा है सना अगर आप साड़ी पहन के शूट करें तो बहुत अच्छी लगे। थैंक यू, बट आई लव साड़ी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सॉरी, प्लीज बोलें, कंटिन्यू। मैं कह रही हूँ मेरी अम्मी की बहुत ब्यूटीफुल साड़ी से पूरी कलेक्शन है, क्योंकि हम लोग का ताल्लुक ना हैदराबाद, दक्कन इंडिया से, तो हमारे पास इंडियन साड़ीज़ है। मुझे मैं वो पहनूं, इसलिए आप इतने प्यार से बात करती हैं, इसलिए आप इतने प्यार से बात करती हैं, इसलिए इतनी तहजीब है आपकी लहजे में। एक दूसरे को, बड़ों को जब मिलते हैं ना, तो हम आदाब करके मिलते हैं और सर झुका के मिलते हैं। वाओ। और कभी कभी तुम तो नहीं इस्तेमाल किया होगा, हमेशा आप ही होता होगा, आप इस्तेमाल, आप कहाँ? मेरे अम्मी अबू एक दूसरे से आपसे बात करते हैं। मेरे अबू आज तक अम्मी से आप बोलते हैं, अम्मी भी आप बोलती है। वाव। इसीलिए ना, आई मीन अब हमें पता चल रहा है कि आपका लहजा जो है वो इतना साफ सुथरा, एंड इट्स लाइक वाव। अच्छा, रुस्वाई का कोई एक डायलॉग सुना दें। वाव। रुस्वाई का एक डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, कि वो कहती है ना, ये दाग मुझे डिफाइन नहीं करता और मैं इसके लिए लड़ूंगी, और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि कोई इसको दाग बोले, और मैं इसको लेकर पूरी जिंदगी, जो एक ये था, और एक जो था, बहुत सारे थे, और एक ये भी था कि जब कोई आवाज उठाता है ना, तो वो विक्टिम नहीं, सर्वाइवर बन जाता है, और हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी आवाज के साथ उनकी आवाज बनना चाहिए। बहुत सारे थे ज़ैनब, भी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, लोग मुझे याद दिलाए ना। हाँ, अगर लोगों को कोई याद है तो बताइएगा। आप बताएं, मिकाल को जिंदा रहना चाहिए था या मार के सही किया? I don't know, मुझे लगता है जरूरत नहीं थी उसको मारने की। हाँ, आप लोगों ने देखा है और आप लोगों का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको लगता है नहीं जरूरत थी, तो आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, बट हाँ, ये कि मैं, he could be sorry, बस वो माफी मांग रहा था, बस हो चुकी थी माफी। मारने वाला सीन जो था ना, वो थोड़ा सा गलत था। अच्छा, how was it to work with फिरोज खान? ये भी एक क्वेश्चन आया खानी के लिए। मेरा उस पूरे प्रोजेक्ट पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सब ने बड़ी मेहनत की थी, चाहे डायरेक्टर थे, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स थे अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, हमारे डायरेक्टर अंजुम शहजाद, मेरे को एक्टर्स, सारे के सारे हम लोग उसमें। अगेन मैं बोलूँगी कि शुक्र है कि मुझे ऐसे सेट मिलते हैं जिसमें पूरी टीम इतनी इन्वॉल्व होती है। राइटर थी असमा नबील और सलमा थी, जिन्होंने मेरी अम्मी का कैरेक्टर प्ले किया था, और किस किस का नाम लूँ, सभी बहुत अच्छे थे। तो आई थिंक, और ये भी मेरे ख्याल से आपकी लक भी थोड़ी अच्छी रही है सना, के आपको अच्छे रोल्स मिलते रहे और अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते रहे, मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स हैं इनमें। हाँ, उसके पीछे एक मेहनत है ज़ैनब, उसके पीछे एक मेहनत ये है कि मैंने एक बहुत ही कोशिश की थी शुरू से कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूं, और जब मैं ऐसे करने लगी और मैं उसमें कामयाब हुई क्योंकि लोगों ने मुझे कामयाब किया वो करने में, तो जिसका मतलब ये था अगर कि लोग मुझे उसी तरह से उन्हीं कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं, तो फिर मुझे ज़ाहिर प्रोड्यूसर्स भी फिर उसी कैरेक्टर्स को लेके फिर मुझे अप्रोच करने लगे कि जब ऑडियंस इसको इस चीज़ में एक्सेप्ट किया और कबूल किया और पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट करें, तो यही कैरेक्टर्स इस पर सूट भी करते हैं। बिकॉज आई थिंक मेरी खुद की भी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं जब कोई गलत होता हुआ देखती हूँ ना, मैं भी सर उठा के बोलती हूँ और आवाज़ उठाती हूँ मैं भी। मेरा ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज रियली गुड। आर यू वर्किंग आउट एट होम? यस आई एम। मैंने ची गंग एक चाइनीज योगा है, मैंने वो शुरू किया था जो आई थिंक बहुत अच्छा है। अगर किसी को वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कौन सा योगा है? ची गंग। ची गंग, ओके। आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, किसी को डिप्रेशन है उसके लिए। और मुझे जो रिस्वाई करके पिछले साल जो मेरी हेल्थ के इतने इश्यूज हो गए थे क्योंकि मैंने कैरेक्टर का इतना इफेक्ट ले लिया था, तो हाँ जी वो पता ये चला था कि यू हैड आफ्टर रिस्वाई की जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी आप बेड रिडन थी कोई एटलीस्ट 2 महीने के लिए, बिकॉज आपने कैरेक्टर को इतना अब्सॉर्ब कर लिया था। थोड़ा उसके बारे में बताएं एंड देन वी कैन। बिल्कुल, मैं उस वक्त अच्छा जब मैं कर रही थी जब प्रोसेस था एक शूट का जो हम लोग कर रहे होते थे, तब मैं बीमार होना शुरू हो गई थी उन सीन्स के बाद। वो इतने आई मीन इट टेक्स अ टोल ऑन यू। वो ऐसे थे कि वो मुझे लगता है जब कोई एक्टर इस तरह की कैरेक्टर्स करते हैं ना उनकी मेंटल हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि मेरे पड़ा। और मुझे उसको करते हुए कुछ समझ नहीं आया था, वरना मैं वाकई अपने आप को पहले से प्रिपेयर करती। और जब मैं वो सीन्स कर रही थी करती थी और करने के बाद घर आती थी, तो मैं अपने आप को उस तरह से कुछ ऐसा करती जो मुझे हेल्प करता है उस चीज़ से निकालने में, उसको अपने सिस्टम से निकालने में। लेकिन मुझे सब पता नहीं चला। खैर जब मैंने कर लिया उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे दिमाग पे ज़ाहिर अफेक्ट करने लगा क्योंकि उसने अफेक्ट किया हुआ था, उसको दबा हुआ था क्योंकि मैं शूट में बिजी थी। लेकिन जब मैं वो करके निकली फिर उसके बाद मुझे बहुत बुरे स्पैज़म्स होने लगे मेरे नेक में, मेरे सर्वाइकल में। फिर उसके बाद मैंने बड़ा हर जगह से उसका इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो आई थिंक मैं सबको बोलूँगी कि वो ज़रूर करें, इट्स कॉल्ड ड्राई नीडलिंग। वो आपकी अलाइनमेंट होती है पूरी बॉडी की। ड्राई नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग जो लोग वो कपिंग भी कराते हैं, हिजामा जिसको एक्वापंचर टाइप चीज़ होती है। हाँ, उसी टाइप की एक चीज़ है लेकिन उसको ड्राई नीडलिंग कहते हैं। सो दैट रियली हेल्प्ड और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, उस दिन जब हमने लास्ट लाइव की थी एहसन खान के साथ तो उन्होंने भी यही बताया था कि उडारी का जब उन्होंने रोल किया था इट हैड टेकन सो मच ऑफ हिज एनर्जी। तो मेरा ख्याल से विद गुड एक्टर्स क्योंकि वो इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हैं उस रोल के अंदर कि वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड आई डिडंट जस्ट एक्ट समीरा, आई लिव्ड समीरा। And that's amazing. That's why it showed on it. I think it was very well received by people. High style strip, and a lot of my friends, Khadija, Fuba, all of my friends came over on live, which is fantastic. Thank you. And मैं यहाँ से इस niche lifestyle में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन सब का बहुत बहुत thank you कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपनी इतनी appreciation दी रुस्वाई में समीरा के लिए। और सिर्फ रुस्वाई के लिए नहीं, सारे उन प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो खानी हो, चाहे वो डर खुदा से हो, जरा याद कर हो, प्यारे अफजल हो, जितने भी मैंने आज तक किए हैं, थैंक यू सो मच। नो आई थिंक एवरीबॉडी लव्स यू। प्यार दीजिएगा। मेरे आगे बहुत एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सब बहुत एक्साइटेड है, वो सब यही पूछ रहे हैं। अहमद मुस्तफ़ा की अम्मी हेलो कह रही है, जिया अहमद कह रही है कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड वुड यू लाइक ये तो कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू टॉक विद मी। नहीं, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो हम आपके साथ कैसे बात कर सकते हैं। बट दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, बट देयर आर सो मेनी पीपल। थैंक यू सो मच। आई डिड नॉट वांट कि ये हम सिर्फ बात करें, आई वांटेड टू नो यू एज अ पर्सन सना, बिकॉज रोल तो कमाल था और वो एक उसके बारे में बात जितनी भी की जाए कम है। वी've talked about it and everybody has loved you as an actress. तो we wanted to just have you with us and talk about generally of how this whole journey has been. और मेरा I'm sure आगे भी बहुत अच्छा रहेगा एंड वी विल डेफिनेटली हैव यू बैक विद अस, और आप हमें बताएंगी कि बिलाल अब्बास खान कैसे हैं एज एक्टर. हाँ क्या कह रही, सॉरी, फिर आप हमें बताएंगे कि बिलाल अब्बास कैसे हैं एज अ को स्टार. आई एम श्योर वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, वो वैसे ही बहुत स्वीट है. तो हाँ मैं जरूर, हम लोग उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर, आई लव्ड हैविंग यू ओवर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द फैंस. आई एम सॉरी, हमने क्वेश्चन ज्यादा हमारे पास यही थे कि दे वर ऑल जस्ट लविंग यू, और वो कह रहे थे कि आप एक बहुत फैंटास्टिक एक्ट्रेस हैं. वी हैड पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, लंदन, एंड असद फ्रॉम लंदन हैड सेड हेलो, एंड so many people have been here, but thank you so much for being with us. Thank you everybody. Thank you. Allah Hafiz.